हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। आज मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल्स के निकालना बताऊंगी, किस तरह से आप करेंगे बिना कोई कैलकुलेशन करें और एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक से। क्या करना है आपको, आपको लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से फैलाना है और राइट हैंड से आपको वैल्यूज लिखते जाना है। आप कोई भी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बस आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए और आप लिखते जाएंगे। ठीक, कैसे करेंगे उसके लिए समझिए। हियर इट इज, आपने लेफ्ट साइड की फिंगर्स को, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को आपने इस तरह से स्प्रेड किया। देख के ध्यान से, फर्स्ट थंब इज 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंगल ये फिक्स रहेंगे इन फिंगर्स के, ठीक है। अब आपको ये आपकी इधर राइट साइड है और इधर लेफ्ट साइड, ठीक, साइड्स का ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ समझिए, अगर आपको निकालना है साइन थीटा, ठीक, तो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट राइट साइड फिंगर्स अपॉन 2। अब आप देखो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए आप, सपोज हमें सबसे पहले सिंपल लेते हैं, साइन 45 निकालना है, ठीक। क्या कहा मैंने, साइन 45, तो साइन 45 राइट साइड में कितनी फिंगर्स है, 2, उसका रूट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, राइट साइड फिंगर्स रूट अपॉन 2, ठीक है। अब राइट साइड की फिंगर्स कितनी है, 2, उसका रूट, रूट 2, राइट, अपॉन 2, रूट 2 अपॉन 2, इट इज रूट 2 अपॉन 2, रूट 2 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे कितना आया, 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। और देखिए साइन 30 राइट साइड में कितनी फिंगर है, 1, रूट 1 अपॉन 2, कितना हो गया, 1 अपॉन 2। साइन 0 राइट साइड में कितनी फिंगर्स है, 0, 0 अपॉन 2, इट इज 0, राइट। आगे देखिए, साइन 60 राइट साइड में कितनी फिंगर्स है, 60 को छोड़ दीजिए, उसके राइट साइड में कितनी फिंगर्स है, 3, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 2, ओके। आगे देखिए, साइन 90 कितनी फिंगर्स है राइट साइड में, 4, 4 का रूट 2, सो 2 अपॉन 2, कितना हो गया, 1। फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट राइट साइड फिंगर्स अपॉन 2, आया समझ में, ठीक, बहुत सिंपल था। अब अगर आपको कॉस निकालना है तो कॉस में आप लेफ्ट साइड की फिंगर्स का रूट करेंगे और अपॉन 2, देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड की फिंगर्स एंड अपॉन 2, सबसे पहले 0 तक पहुंचते हैं, 0 में लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स है, 4, उसका रूट 2, रूट 4 इज 2 एंड 2 अपॉन 2 इज 1। आगे देखेंगे, 30 डिग्री राइट लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स है, 3, तो कितना हो गया, रूट 3 अपॉन 2, ओके। नेक्स्ट 45 में लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स है, 2, उसका रूट करेंगे तो अगेन रूट 2 अपॉन 2, यू विल गेट 1 अपॉन रूट 2। आगे देखिएगा, कॉस 60 लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स है, 1, तो 1 अपॉन 2, 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा एंड अपॉन 2, जितनी फिंगर्स है उसका रूट करिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, 90 लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स है, 0, 0 अपॉन 2, इट इज 0, आया समझ में, बहुत सिंपल टेक्निक है, बस शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप आगे समझो, अब अगर आपको निकालना है 10, ठीक, तो अब आप 10 होता क्या है, क्या होता है 10, साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना, टेन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब आप देखो जरा, इन दोनों फॉर्मुलों को अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट राइट साइड फिंगर्स रूट अपॉन लेफ्ट साइड फिंगर्स रूट, ठीक। अब देखो 10 का क्या, किस तरह से फॉर्मूला बन गया, अब आपको 10 में राइट साइड की फिंगर्स का रूट करना है और फिर उसको लेफ्ट साइड की फिंगर्स के रूट से डिवाइड करना है,
देखिएगा ध्यान से, 10 0, लेफ्ट साइड में कितनी फिंगर्स है? 0, ठीक है ना, और राइट साइड में कितनी फिंगर्स है? 4, उसका रूट करेंगे तो 2 0 upon 2, इट इज 0, राइट साइड फिंगर्स रूट डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड फिंगर्स रूट, जो एंगल ले रहे हैं उस वाली फिंगर को नहीं काउंट करेंगे, ठीक। आगे देखिए 10 30, रूट 1 upon root 3, 1 upon root 3, राइट। आगे देखिए 10 45, root 2 upon root 2, root 2 upon root 2, इट इज 1, ओके। 10 60, root 3 फिंगर्स है, root 3 upon root 1, इट इज root 3, ओके। आगे समझो 10 90, राइट साइड फिंगर्स root 4, दैट इज 2 अपॉन लेफ्ट साइड फिंगर, लेफ्ट साइड में कोई फिंगर नहीं है तो अपॉन 0, तो कितना आएगा 2 upon 0, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं देन यू विल गेट नॉट डिफाइंड नंबर, ठीक है। तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं आता है, नॉट डिफाइंड नंबर कहते हैं उसे। अब आगे देखिए, अगर आपको ये 3 समझ में आ गए तो आप बाकी के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 upon sin थीटा, राइट, सेक थीटा इक्वल टू 1 upon cos थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 upon tan थीटा, ठीक। आप क्या ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज कैसे, यहाँ देखेंगे, अगर आपने टेबल बनाई है तो उससे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप बिना कोई टेबल बनाए भी पकड़ सकते हैं। कॉसेक क्या हो जाएगा? 2 upon under root राइट साइड फिंगर, ठीक है। अब आप रिवर्स कर दीजिए, कॉसेक निकालने के लिए साइन करें बस, सेक निकालना है तो कॉस के फॉर्मूले को रिवर्स कर दीजिए, कॉट निकालना है टेन के फॉर्मूले को रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब मुझे निकालना है कॉट, ठीक है। तो 10 में हमने क्या लिया, राइट साइड फिंगर्स रूट अपॉन लेफ्ट साइड फिंगर्स रूट, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की फिंगर्स का रूट अपॉन राइट साइड की फिंगर्स रूट, ठीक है। देखो ध्यान से, यस, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड फिंगर्स कॉस कॉट 0, कॉट 0 root 4 upon 0, root 4 is 2 upon 0, कितना हो गया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। आगे देख पढ़ते हैं 30, root 3 upon 1, इट इज root 3, राइट। 45, root 2 upon root 2, दैट इज 1, ओके। आगे चलिए 60 degree, root 1 upon root 3, दैट इज 1 upon root 3, ठीक है। आगे करते हैं 90 degree, 0 upon root 4, ठीक है ना, 0 upon 2, इट इज 0, ओके। क्या किया हमने, हमें सिर्फ दो फॉर्मूले याद, दो भी क्या, एक याद करना है आपको, आप साइन का याद कर लो, साइन का में राइट की जगह लेफ्ट कर दोगे कॉस का बन जाएगा, साइन और कॉस के फॉर्मूले को डिवाइड करो टेन का बन गया, अब इनको रिवर्स कर दो तो इनके रिवर्स आ गए, साइन से कॉसेक आ जाएगा, कॉस से सेक आ जाएगा, और टेन से कॉट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम निकालने हैं सेक थीटा, सेक कॉस का रिवर्स होता है, कॉस में हमने क्या बताया था, कॉस में अंडर रूट लेफ्ट साइड फिंगर्स अपॉन 2, लेफ्ट साइड इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड फिंगर्स अपॉन 2, उसका रूट करना है। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, 2 अपॉन रिवर्स कर दो, 2 अपॉन अंडर रूट लेफ्ट साइड फिंगर्स, ठीक। देखो ध्यान से, सेक 0, सेक 0 2 upon root 4, तो कितना हो गया, 2 upon 2, इट इज 1, ठीक। आगे देखते हैं 30 degree, 2 upon, यस, root 3, ठीक। आगे देखिए 45, 2 upon root 2, ठीक, इट इज 2 upon root 2, सॉल्व करेंगे यू विल गेट root 2, ओके,
आगे बढ़ते हैं 60 डिग्री, फिर इसी तरह से देखें 2/√1, ठीक है, तो कितना हो गया 2/√1 is 1। आगे समझेंगे 90 डिग्री 0, ठीक है, इधर साइड कितनी फिंगर्स है 0, तो 2/0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ओके। आगे देखिए कॉसेक, अब कॉसेक में साइन क्या था, अंडर रूट राइट साइड फिंगर अपॉन 2, इसका रिवर्स कर दो 2/right side fingers, ठीक, देखो ध्यान से 0 cosec 0 2/right side fingers, 2/right side में कितनी फिंगर्स हैं 0, कितना हो गया नॉट डिफाइंड, राइट 30 डिग्री 2/1, कितना 2, 1 का रूट 1। आगे देखिए 2/√2, 2/√2 कितना हुआ √2। नेक्स्ट 60 डिग्री 2/√3, राइट 2/√3। नेक्स्ट देखो 90 डिग्री 2/√4, ठीक है, तो 2/√4 is 2, कितना आया 1। फिर से समझिए क्या करना है आपको, साइन में राइट साइड की फिंगर्स, जो भी आपका एंगल लेना है एंगल आपका फिक्स रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक। अब साइन में आपको राइट साइड की फिंगर्स का रूट लेना है अपॉन 2, कॉस में आपको लेफ्ट साइड की फिंगर्स का रूट अपॉन 2, और टेन में दोनों को डिवाइड कर दो साइन और कॉस, बाकियों में उल्टा लटका दो, राइट। यहाँ समझेंगे, थोड़ा सा शुरू में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, एक बार शुरू में दिक्कत आएगी आपको, हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस टेक्निक की हेल्प से करेंगे आपको इस पर कमांड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा और समझिए, आप देखो ध्यान से, जब आपने साइन की वैल्यू निकाल ली, कॉस निकाल लिया तो 0/1, ठीक है, कितना हो गया साइन अपॉन कॉस 0, ठीक है, 1/2 √3/2, ये भी कितना हो जाएगा ठीक 0, ठीक। इसी तरह से √2 उनको डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो आपके पास ये सब वैल्यू सही आ रही है, ठीक है। और कॉट 10 का रिवर्स होता है, आप रिवर्स करके देखिए सारी वैल्यू सही आ रही है टेबिक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसी तरह से सेट कॉस का रिवर्स होता है, आप रिवर्स करके देखिए वही वैल्यूज आ रही हैं, राइट, अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। आगे देखिए कॉसेक साइन का रिवर्स होता है, तो रिवर्स करके भी वही वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक थी और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका बहुत टाइम सेव होगा, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कोई नहीं होगी अगर आपने वैल्यूज सही पुट करी होंगी। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नए वीडियोज का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।